अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सुबह मुबारक, मतलब सुबह से मुराद अभी दोपहर से पहले का टाइम है। मैंने सोचा ये जो मेरी बॉटल है इसमें थोड़ी सी एक दो और मैं मनी प्लांट की डंडियां लगाऊं। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा ये बॉटल की क्या हिस्ट्री है, ये मैंने किचन के काउंटर पर रखी हुई, आपने देखा होगा ना। ये मुझे मारिया वास्ती ने पेंट करके दी थी, बड़ी प्यारी मेरी जान की टुकड़ी। बहुत दिनों से मैं मिली नहीं हूँ, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, क्या बोलूँ। अब हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी और फिर वो लोग भी बिज़ी होती हैं, पूछ पूछ के बेचारे वो भी चुप हो गई, मैं भी चुप हो गई कि कब मिलेंगे कब मिलेंगे। कितने लोग हैं प्यारे प्यारे जिनसे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो रही, शूटिंग भी चल रही थी उनकी भी चल रही है, फिर उसके बाद मैं ज़रा अस्पतालों के चक्कर में थी, अब तो खैर वो बेहतर है। तो एनीवे मैंने कहा चलो जी, इसके बारे में भी किसी ने पूछा था और इसमें मैंने ज़रा पानी भी चेंज किया था, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी वो स्प्रे हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, मैं उस पर स्प्रे भी मारूंगी। दूसरे मैंने सोचा ये जो ग्रीन वाले मेरे गमले थे गंदे हो गए थे, खैर से मेरे बच्चे आ रहे हैं, बस पहुँचेंगे आज इंशाल्लाह, तो ये भी पेंट कर लूँगी। और लेकिन इससे पहले कि मैं ये पेंट करूँ, मैं इसमें भी लगाना चाह रही थी, ये बहुत प्यारा सा एक प्लांट था और ये हो गया था खाली। अच्छा, जो तो मेरी प्लांट लवर बहनें हैं या भाई हैं जो कि बड़े एक्सपर्ट हैं, मेरे इस पुअर तरीके पे उनको गुस्सा आता है, जो कि सही आता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा थोड़ा इसका सेंस आ जाए, वैसे तो बशीर कर लेते हैं सब कुछ, कभी दिल चाहता है ना मिट्टी में हाथ मारने को। देखे मैंने ग्लव भी पहने हुए, तो मैं जब उल्टा सीधा कुछ करती हूँ गड़बड़ तो मुझे फिर बातें सुननी पड़ती हैं, और मुझे जब मेरे माइक की आवाज़ तंग करती है, मुझे लगता है मेरा माइक बीच में से कहीं ऑफ हो जाता है और मुझे पता नहीं चलता। अब ये है कि भाई नॉन टेक्निकल होने के ये भी नुकसान है, तो क्या करे बंदा। लेकिन बहरहाल आज मैंने पूरी 3 दफ़ा इसको पहले ट्राई किया है कि ये कैसे बिहेव करे, मैं पहले इसकी ज़रा मिट्टी निकालूं तो फिर मैं इंशाल्लाह दोबारा से इसमें डाल लूँगी, और साथ ही मुझे पेंट भी करना है। अच्छा जी, मौसम थोड़ा सा बदल रहा है माशाल्लाह, अब ज़रा थोड़ा थोड़ा क्लाउडी है, वो धूप की वो खौफनाक वाली तपिश थोड़ी सी कम हुई है। अब इंतज़ार ये है कि जो बारिश जिसका के वादा भी है और धमकियां भी दे रहे हैं लोग के, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, अल्लाह रहम करे। अच्छी बात करनी चाहिए मुँह से, ये मुँह चंगा नहीं हुआ तो गल तो चंगी कर लेनी चाहिए। और मैं जैसे कि आपसे कह रही हूँ, सब अपने दोस्तों से कह रही हूँ, प्लीज़ दरख्त लगाएं, प्लीज़ दरख्त लगाएं, हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरत है ग्रीनरी की, और प्लीज़ कोशिश करें कि प्लास्टिक ना फेंकें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिलकर हमारी एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रही हैं। अब तो सबको पता चल गया, कोई नई बात मैं नहीं बता रही, लेकिन सिर्फ एक दूसरे को याद दिलाते रहना है कि हमें क्या करना है। अच्छा, इसके अंदर पानी डालते हैं, वैसे ये मुझे शाइस्ता लोधी ने भेजा था, बड़ा प्यारा है ये प्लांट, वो मैं करती हूँ कि ज़रा इसमें जब हम ये लगाएंगे ना तो फिर हम इसके अंदर ये मिट्टी डालेंगे। और मैंने ग्लव्स इसलिए पहने कि फिर नाखूनों में मिट्टी भी घुस जाती है, और फिर वो क्या नाम है, ये छोटे वाले भी लगा देती हूँ, मुझे उम्मीद है। हाय अल्लाह, मैंने तो देखा लोग तो जुराबों में लगा रहे हैं पौधे, हाय बड़े लोग भाई। मैंने देखा कि इंडिया की भी कोई वीडियो देखी, पर यहाँ की भी देखी, छत पे भी लोगों ने गार्डन बना लिए, लोग तो पता नहीं सब्जियाँ और क्या क्या ही कर रहे हैं भाई, बड़ा लोगों में टैलेंट है माशा अल्लाह। अल्लाह ने इंसान को बड़ी कैपेसिटी दी हुई है, बहुत कुछ कर सकता है इंसान, और अल्लाह ने हर किसी को अकल समझ बूझ दी हुई है, सिर्फ बात करने का ढंग सीख ले कोई। जैसे कोई कहता है ना फलाना दिल का बड़ा अच्छा है, बस ज़बान उसकी ख़राब है। दिल खोल के कौन देखता है आपका, दिल का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो ज़बान है ना, ओए होए होए, इसके मैंने एक तस्वीर देखी थी, 2 सांप की तरह की उसमें से वो निकल रहे थे। इतने लोग एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी करते हैं, ख़ास तौर पे मुझे लगता है जब कहीं, मैं अभी टेलीविज़न शोज़ की बात ही कर रही हूँ, कोई भी साहिब इल्म या कुछ बनावटी साहिब इल्म भी होते हैं जिनको लोग बुला लेते हैं, किसी औरत से बात करते हैं तो उसको डांट देते हैं, उसको ऐसे बताते हैं यूं करके, चुप, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता। ऐसे नहीं होता, बड़ी बड़ी औरतें हो गुजरी हैं हम पर, हैं मदर टेरेसा, हमारे पास वो अपना लेप्रेसी की वो थी, अपना आई मैं उनका नाम ही भूल गई, इतनी प्यारी, हमारे पास एन मेरी शमिल थी, जो कि अल्लामा इकबाल के कलाम पे जिन्होंने काम किया था, हमारे पास मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी, हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो थी, हमारे पास राणा लियाकत अली थी, हमारे पास बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिन पर हम फ़ख्र कर सकते हैं, जिन्होंने जो जहाज़ उड़ा दिए। हमारे पास वो जनरल नहीं है इतनी बड़ी जिनके ऊपर ड्रामा भी बना है। तो आप देखें तो औरतों को आप ऐसे डांट के चुप नहीं करा सकते, अगर वो हैसियत वाली हैं, किसी घरेलू औरत को या किसी स्टूडेंट को या किसी को आप डांट के चुप करा लें, शोर कर लें, ज़ोर से बोल लें, झड़क दें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये ठीक नहीं है।
और ऐसे लोग जो है ना, अगर वो अपने घर जाके, आप उनके घर जाके देखें ना, तो घर में उनके साथ क्या सलूक होता है वो भी देखना चाहिए। बहरहाल कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी से दबने की, अगर आप सच पर हक पे हैं और किसी से, सिवाय अपने भाई, अगर आप बच्चे हैं, मेरे बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, कोई माँ बाप आपको कुछ कहे, डांटे समझाएं, वो एक और बात है। किसी आउटसाइडर का क्या काम है कि वो आपको बताए कि आपको डांटे, कम से कम बकवास करे आपके साथ। हाँ, उस्ताद हैं जो आपको सख्ती से भी समझा सकते हैं, उनका उनका है, लेकिन कुछ लोग उस्ताद बनने की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, वो उतने हैं नहीं। बहरहाल मैं तो नहीं, सच्ची बात है, मैं किसी को, आपको पहले भी कहता, मैं नहीं किसी को नसीहत करती कि देखो बेटा तुम्हें यूँ नहीं करना चाहिए, अपनी फील्ड के बच्चों को ही नहीं मैं कहती, तो मैं क्यों कहूँ भाई किसी को, मैं क्यों कहूँ भाई। वो बच्चे समझदार है और हर कोई अपने एक्सपीरियंस से सीख लेता है। अब मेरा दिल चाहता है इसका भी कुछ करूँ, दिखाओ जरा, ये सारा झड़ गया है, लेकिन बशीर कह रहे हैं कि ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, ये अभी गीला है, इसका मतलब है इसमें उम्मीद है। तो इसको, इसके लिए शेर है, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। ये जो हम अपने मुल्क को देख रहे हैं ना, जिस सूरत हाल में, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी, हमें कुछ ना कुछ इसके लिए करना है। बैठे बैठे कुछ नहीं होता, बैठे बैठे तो देखते रह गए हम, बर्बाद करने वालों ने बर्बाद कर दिया, किसको ब्लेम करूँ, कोई एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं। एनीवे, तो मैं तो जनाब ये बैठी हूँ करने, एक तो मैंने ये मारिया वास्ती वाली अपनी बोतल की कहानी भी सुना दी, कितनी प्यारी उसने मेरे लिए पेंट की थी। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे मेरे घर कोई केक ले आए तो मुझे घबराहट हो जाती है, तो जिस दिन सब आ रहे थे तो मैंने सबसे कहा प्लीज़ प्लीज़ प्लांट लेके आना, तब मैंने नए नए प्लांट शुरू किए थे यहाँ, तो मरीना भी लाई थी, समीना अहमद लाई थी, उमर सईद अंदर कितना प्यारा गमला, फिर ये मारिया लाई थी, इस तरह करके। तो प्लांट तो आपके साथ देर तक चलते हैं ना। खैर, मेरे तो आम भी आने वाले हैं। हाँ, ये हमने थोड़ा सा इसको एक कोट कर दिया था, और इसको मैं ज़रा फ्रेश कर लूँ, मुझे अच्छा लगता है रंगीन गमले हों, प्यारे प्यारे पौधे हों। हाँ, और फिर ये कि सबसे ज़्यादा खुशी है कि बच्चे मेरे इंशाल्लाह पहुँच रहे हैं रात को, वो देखेंगे तो उनको कितना मज़ा आएगा। हम तो ऐसे फूड़, हमने तो कभी ये काम ढंग से किए ही नहीं ना है। और बाहर के मुल्कों में तो मैं सलाम पेश करती हूँ भाई, सलाम के भाई, वो तो दीवारें भी खुद पेंट करते हैं। मेरी अपनी बेटी करने लगी, लो जो हिल के पानी नहीं पीती थी यहाँ पे, वो तो सब कुछ ही कर रही है माशा अल्लाह, और क्या बात है। और तो और उनके अब्बू भी अंसारी साहब ने कभी इधर से उठ के उधर तक काम नहीं किया था, लेकिन अब वो भी कर रहे हैं, सब लोग वहाँ करते हैं। लोगों को प्लम्बिंग भी करनी आ जाती है, अच्छी बात है। वैसे तो आपको मोहताज नहीं, ये चीज़ें तो हमें नहीं आती हैं, लेकिन मैं कई दफ़ा मिसाल देती हूँ कि देखे, मुझे सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, ड्राइविंग आती है, खाना पकाना आता है, थोड़ा बहुत गाना भी आता है, लिखना भी आता है, एक्टिंग भी आती है, चलो कुछ चार काम तो आते हैं। तो आपको पूरा मुसल्ला होना है। ओए ओए, ये तो पेंट इसको लग गया। अच्छा जी, थोड़ा थोड़ा हम इसको फ्रेश कर रहे हैं, और नीचे मैंने प्लास्टिक इसलिए बिछाया है, हालांकि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ नीचे वाले फ्लोर पे, लेकिन एक बात उसूल की जो आपको पता है ज़रूर, मुझे नई बात नहीं बता रही, जब आप किसी घर में रहते हैं उसको प्यार से सजाते हैं जैसे मैंने सजाया, अब जब मैं यहाँ से जाऊँ, मैं इसका बेड़ा गर्क करके फेंक के चले जाऊँ, इसमें गंद फेंक के चले जाऊँ, ये नहीं है उसूल, बिल्कुल नहीं। मैं इंशाल्लाह इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करवाऊँगी, जो मैंने 150 तस्वीरें टांगी हुई हैं उसके सुराख बंद करवाऊँगी, उसके ऊपर फिर पेंट का पोचा लगवाऊँगी। अवल तो मेरे को ऐसे छोटे बच्चे नहीं हैं जिन्होंने गंदा किया, लेकिन छः महीने पहले हमने पेंट कराया था तो कुछ हो गया था थोड़ा बहुत था। तो कम अज़ कम आप जब कहीं से जाएँ उस मालिक मकान को सता के ना जाएं, जैसे कि मुझे एक बहुत किसी ने सताया था, एक नहीं दो तीन दफ़ा। एक दफ़ा मैंने लाहौर में एक घर किसी को किराए पे दिया था, वो खातून 2 महीने का किराया खा गई थी, बहुत पुरानी बात है, पता नहीं वो देख रही है कि कहाँ है। एक दफ़ा मैंने और एक अपार्टमेंट था वो दिया हुआ था किराए पे, अल्लाह रहम ही करे, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, उनके बच्चों ने नीचे वालों की तारें फिट करके और फ़ोन पे मिस यूज़ कर लिया था, पुरानी बात है, पुरानी बात है। और एक और दफ़ा मेरा जो बंगला था, खैर बस छोड़ें, बहुत दिल दुखी। और तो क्या, यहाँ तो जो मतलब किराएदार आपको मुख्तलिफ सूरतों में सताते हैं वो अलग है। मैंने एक दफ़ा लंदन में एक घर किराए पे लिया, एक घर ख़रीदा था, पुरानी बात है, वो भी पुरानी बात है, तजर्बे ऐसे ऐसे क्या। वहाँ पे एक मेरे अरबी इराकी भाई ने मुस्लिम ब्रदर कह के वो ले लिया था, हाथ में उनकी बीवी की तस्बीह थी, हिजाब भी लिया हुआ था माशाल्लाह, बड़े पुरनूर चेहरे थे। 3 महीने के बाद वो लंदन में उसने मेरा किराया नहीं दिया,
हाय, मैं तो रो रो के मेरा बुरा हाल भाग गया। पता नहीं, मतलब मैं उसके घर पे बेल भी नहीं बजा सकती थी, वहाँ के बड़े सख्त उसूल हैं कि आपने अगर उसको हरेस ना कर दें आप। पता नहीं कैसे कैसे केस करके मैंने उसको हटाया, निकाला, जोड़ जोड़ के पैसे। मेरे पास कौन सी कोई, मैं किसी जागीरदार की बेटी थोड़ी हूँ। और मैंने मिनते तरले करके तो मैंने फिर वो, मैं घबरा गई। मैं तो किराए पे देने से घबराती हूँ, मगर मैं किसी के घर के किराए पे हूँ और वो मैंने अपना घर बनाया है, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो उनका घर जो है वो तोड़ फोड़ के, सुराख करके, उनकी लाइटें नोच के, उनका सब नहीं, ये बात नहीं। हाँ, कौन आया है? आम आ गए, मुल्तान वाली मेरी बहनों ने आम भेज दिए। अच्छा, आ रही हूँ मैं। अनवर अटोल आए हैं, अब दिखाती हूँ मैं आपको अपने आम। इतने में ये भी हो गया मेरा, तुम रखो, मैं आ रही हूँ आ रही हूँ, मिसेज एंथनी ने कहा है। बाजी, आम आ गए हैं। लो जी, आम आ गए मेरे बच्चों के लिए। पहले पहले मैंने जो तैयारियाँ करनी थी वो हो गई हैं, और अब हम चल के देखते हैं आम, है ना। बीना थैंक यू, अभी आयशा का भी आया था कल फ़ोन। बाजी, इसके बाद आपने मुझे बताना है। तो मेरी बड़ी प्यारी कज़न्स हैं ये तकरीबन, मुल्तान की। आम की पेटियाँ चलती रहेंगी आप। अच्छा, आ रही हूँ, हम टीवी के भी आने वाले हैं आम। तो ये मौसम तो ऐसा है, इसमें दोस्तियाँ मोहब्बतें आम के ज़रिए और बड़ी बढ़ती हैं ना। चलो जी, अभी तो मैंने कर लिया इसको माड़ा मोटा, इसे कहते हैं ना पंजाबी में माड़ा मोटा। तो जब ये सूख जाएगा फिर हम इसमें कोई पौधा भी लगाएंगे। मैं तो जा रही हूँ आम के लिए, ज़रा दिखाती हूँ आपको अपने अनवर टोल, सही वाले अनवर टोल अभी दिखाती हूँ। चलो भाई, इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, बाहर चलते हैं। हाँ जी, बस ये तो हो रहा है, मैं देखूँ आम। हाँ, आम देखें, आम आके, अरे वाह ये है ना जनाब, क्या बात है। अनवर टोल, कमरे में खुशबू आ गई है। वाह बीना, क्या बात है। अब बीना देखती है ना मेरा यूट्यूब, माशाल्लाह, द वे दे हैव सेंट इट, द प्रेजेंटेशन यू कैन सी। और वाह, बस तकरीबन पकने वाले हैं। आज हम इसको पानी में डालेंगे और उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे और हम इंशाल्लाह सुबह को खा लेंगे। हाँ, तकरीबन सुबह तक तैयार हो जाएंगे। और चार हैं, ओए लॉर्ड, नरीमान का क्या होगा, वो तो खुशी से पागल हो जाएगी, क्योंकि उसको तो अनवर टोल बहुत पसंद है। वो तो टोरंटो से शायद आमों के लिए आ रही है। नहीं, कह रही थी अम्मा आई कांट वेट टू सी यू, और बच्चों को मज़ा आएगा। चलें, शुक्र है कि इतने प्यारे प्यारे मोहब्बत करने वाले दोस्त भी हैं, दूर दराज भी, करीब भी सब, तो ये भी तो नेमते हैं ना, किसी मीठे आम से कम तो नहीं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, बच्चे आएंगे तो फिर मैं उनके साथ भी बनाऊंगी आपके लिए व्लॉग। थैंक यू।